तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रेड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि अपने गूगल पे से अपना अकाउंट कैसे परमानेंटली आप डिलीट कर सकें या कैसे रिमूव कर सकें, तो खास करके इसी के बारे में यह वीडियो होने वाली है। तो फिर चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंटली डिलीट आप कैसे करेंगे, गूगल पे से अपना अकाउंट रिमूव कैसे करेंगे और मोबाइल नंबर भी कैसे चेंज कर दें ताकि कोई भविष्य में दिक्कत ना हो, हम लोग का अकाउंट वगैरह कहीं भी हैकिंग वगैरह में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को करेंगे कंटिन्यू। वीडियो पसंद आएगी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आया करता हूँ। मैं 2 से 3 स्टेप आपको बताने वाला हूँ, मतलब यहाँ पे जो अकाउंट वगैरह डिलीट किया जाता है, तो पूरी वीडियो को आखिरी तक जरूर वॉच करिएगा। सबसे पहले गूगल पे एप्लीकेशन को हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो हम यहाँ से सबसे पहले अपना पासवर्ड इनपुट कर देंगे ताकि गूगल पे ऐप ओपन हो। हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब सिंपल हमें क्या करना होगा, ऊपर यहाँ पे लोगो दिखेगा कॉर्नर पे, इस लोगो पर हम लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा बैंक अकाउंट का, तो सिंपल इस बैंक अकाउंट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारी बात आती है अकाउंट को रिमूव करने की। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नहीं कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने बैंक पर क्लिक करना होगा। बैंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे 3 डॉट दिखेगा, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और रिमूव अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। रिमूव अकाउंट पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो फिर से कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे इसमें सेंडिंग होगा और हमारा जो अकाउंट है वह रिमूव अभी हो जाएगा। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे UPI ID वगैरह डिलीट हो जाएगी। हमारा यहाँ पे सारा कुछ डिलीट हो चुका है जैसा देख सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक है। ये बताते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। सेटिंग के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है पर्सनल इन्फो का, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर के सामने एक ऑप्शन होगा एडिट का, इस एडिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे कोई घर का ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो बैंक अकाउंट से लिंक ही ना हो ताकि कोई भविष्य में दिक्कत ही ना हो। तो हम अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ से चेंज कर देंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे ना, एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड उस नंबर पर जो नंबर हमने यहाँ से फिल किया है। सिंपल है, उस OTP को हमें भरना होगा। तो वेट करते हैं उस OTP का, जैसे OTP आ जाता है हम भरते हैं फिर आगे के तरफ चलेंगे। OTP हमारी आ चुकी है, 52 50 72 हम भर देते हैं और जैसे हम भरेंगे यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी OTP और यहाँ पे यही वाला नंबर यहाँ पे ना सेट भी हो जाएगा और हमारा वाला नंबर भी हट जाएगा। मतलब बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अकाउंट बिल्कुल सेफ हो चुका है, मोबाइल नंबर भी हमारा बदल चुका है, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ना कि आप इस तरह से सीख गए होंगे अपना सारा कुछ अकाउंट वगैरह यहाँ से निकालना। और आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ना कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे कोई अकाउंट ही नहीं है, यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। कोई भी अकाउंट हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड ही नहीं होगा, कोई भी जो भी अकाउंट रहेगा हमारा इस बैंक इस नंबर से लिंक ही नहीं है तो कहाँ से ऐड होगा, ऐसा हम लोगों ने नंबर ऐड कर दिया है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली विदाउट मतलब लिंक नंबर, बैंक सेलिंग नंबर हमने ऐड कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आया वीडियो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।